अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किचन फैंटेसी कुकिंग। आज हमारे किचन में बन रहे हैं चिकन के कोफ्ते। इसके लिए हमने ले लिया है 1/2 kg बोनलेस चिकन। अब हम इसका कीमा बना लेंगे। अब हम इसका लिड क्लोज कर देंगे और इसको हमने प्रॉपर तरीके से सेट करके अलाइन कर लेना है और इसको चॉप कर लेंगे 3-4 मिनट्स के लिए। तो ये आप देख सकते हैं चिकन का कीमा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़े साइज का प्याज और उसको भी चॉप कर लेंगे। अब हम ग्रीन चिलीज ले लेंगे 4 से 5 अदद और इनको भी चॉप कर लेंगे। इसमें ऐड करने के लिए हमने ले लिया है 1 teaspoon भुना और कुटा हुआ जीरा, 1 teaspoon गरम मसाला, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1 teaspoon सॉल्ट, यहाँ आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें, 1 teaspoon ब्लैक पेपर, 1.5 teaspoon रेड चिली पाउडर, 2 tablespoon ग्राम फ्लोर यानी बेसन, इसको मैंने तवे पे हल्का सा भून लिया है। अब हम इसके अंदर अगेन ऐड कर देंगे कीमा जो हमने मिंस करके रखा हुआ है। एक दफ़ा फिर से उसको मिंस कर लेंगे। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे सॉल्ट 1 teaspoon, धनिया पाउडर 1 teaspoon, रेड चिली पाउडर एंड ब्लैक पेपर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर 1 teaspoon और लास्ट पर हम ऐड कर देंगे ग्राम फ्लोर। इसकी फिटिंग तक आप इसको लॉक करेंगे और इसके बाद इसको ऑन कर देंगे। हम इसको ओपन करेंगे। अब हम एक बार फिर से इसको चॉप कर लेंगे ऑनियन के साथ जो हमने चॉप करके रखा हुआ है। तो हमारा कीमा मिक्सचर रेडी है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और हाथों को ऑयल से ग्रीस करके इसके गोल गोल कोफ्ते बना लेंगे। जितने साइज़ के हमें रिक्वायर्ड हैं उतने साइज़ के बना लेंगे। इतनी क्वांटिटी में ऑलमोस्ट 10-15 कोफ्ताज बन जाते हैं। हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और गोल गोल कोफ्ता बनाकर इसको प्लेट में रखते जाएंगे। जितना अच्छे से आप इसको बाइंड करेंगे उतना अच्छा कोफ्ता आपका राउंड राउंड हो जाएगा। तो आप अच्छे से इसको प्रेस करके बाइंड कर लें और इसके बाद इसको गोलाई में शेप दे लें। अगर आपको लगे कि आपके कोफ्ते जुड़ नहीं रहे हैं तो आप थोड़ा सा इसमें बेसन और ऐड कर सकते हैं। तो तैयार है हमारे ऑलमोस्ट 15 कोफ्ताज। इनको हम सेपरेट करके रख देंगे। तो ये रेडी हैं फ्रिज में जाने के लिए। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे फ्रीज़र में ताकि ये थोड़े से सॉलिड हो जाएं। इतने टाइम में हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया 1/2 cup कुकिंग ऑयल और उसमें ऐड कर दिया 1 large size onion और उसको मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था। तो
तो हम इसको स्टर करते जाएंगे और प्याज का कलर लाइट गोल्डन जब हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो चुका है, अब हम ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको भी अच्छे से स्टर करके फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको स्टर करते जाएंगे ताकि जिंजर गार्लिक पेस्ट की स्मेल ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 6 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट और इसको भी अच्छे से स्टर कर लेंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे साथ ही साथ। इसकी भुनाई हो चुकी है और कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। इसके लिए मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट। अब हम इन 5 स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। इसको स्टर फ्राई करते जाएंगे, इसकी भुनाई अच्छे से होती जाएगी। प्याज की भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारे कोफ्ते का टेस्ट अच्छा होगा। और ये हमारी ग्रेवी रेडी होती जा रही है ऑलमोस्ट। अब हम ऐड कर देंगे 1 कप बीट किया हुआ योगर्ट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 5 मिनट्स के लिए रख देंगे दम पर, लो फ्लेम पर। तो आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है और इस पर ऑयल आना शुरू हो गया है, तो हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए और हिलाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज 3 से 4 अदद और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस पॉइंट पर अगर आप इसकी ग्रेवी को ऐसे ही रखना चाहते हैं तो ऐसे ही रख सकते हैं, और अगर ऐड करना चाहते हैं तो 1 ग्लास पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पर पकने दें। और अगर हमें ऐसी ही ग्रेवी रिक्वायर्ड है तो इस पॉइंट पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और उतनी देर में हम कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। अब एक फ्राइंग पैन में हम ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल हम इतनी क्वांटिटी में लेंगे जिसमें हमारे कोफ्ताज डिप हो सकें और हम इसको अच्छे से फ्राई कर सकें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हमने ठंडे ऑयल में कोफ्ताज नहीं रखने वरना वो बैठ जाएंगे और उनकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें रखते जाएंगे कोफ्ताज और इनको सेट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए आप बिल्कुल भी इनको टच नहीं करेंगे स्पैचुला की मदद से, और इनकी शेप को सेट होने देंगे। जब शेप सेट हो जाएगी तो आप हल्का हल्का टर्न करके इसको दूसरी साइड से भी लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब कोफ्तों की शेप सेट हो चुकी है, अब हम इसको स्पैचुला की मदद से हिलाकर ऑल साइड से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जो कोफ्ते हमने सबसे पहले डाले थे फ्राई होने के लिए वो कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, उनको हम निकाल लेंगे और देखते जाएंगे जो जो कोफ्ते गोल्डन हो जाते हैं उनको साथ साथ निकालते जाएं, उनको हमने ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। ऑलमोस्ट सारे के सारे कोफ्ते हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इनको सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और जो हमने ग्रेवी तैयार करके रखी थी उसको दोबारा से गर्म करके उसमें इसको
ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इनको दम पे रख देंगे। तो ये हमारी ग्रेवी जो बिल्कुल रेडी है, इसमें हम ऐड कर देंगे कोफ्ते और इसको हल्का सा घुमाकर मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे लो फ्लेम पर, दम पर। इससे हमारे कोफ्ते टेंडराइज्ड हो जाएंगे और अंदर से जूसी हो जाएंगे। तो तैयार है हमारे मज़ेदार से चिकन कोफ्ता कड़ी। अब हम इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म नान के साथ या रोटी के साथ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और दुआओं में याद रखें ताकि हम ऐसी रेसिपीज़ बनाते रहें और आपके साथ शेयर करते रहें। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।